अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप सो यू आर फाइन एंड सेफ। टुडे वी आर गोइंग टू लर्न चैप्टर नंबर 3। लेट्स लर्न केटर्टल। केटर्टल इज अ सॉफ्टवेयर विच टीचेस अस हाउ टू राइट अ सिंपल प्रोग्राम। इन केटर्टल वी कैन टाइप टेक्स्ट, ड्रॉ पिक्चर्स एंड परफॉर्म सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशंस। Today's topic is speeds in KTurtle and console text box. And the task we have to perform are 3 questions. You have to write in your worksheet and learn them. Question number 1 is, in how many different types of speeds can you run the commands? कि आपने commands को run करना है तो उसमें कितनी speeds होनी है वो हो सकती हैं। लाइक आपने केटर्टल में प्रोग्राम लिख लिया है, कमांड सारी लिख ली है, अब अपने इनको रन करना है तो आपने स्पीड सेलेक्ट करनी है कि आपकी स्पीड क्या होनी चाहिए। सो डिफरेंट स्पीड्स कौन कौन सी हैं? द डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्पीड्स आर फुल स्पीड, स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट, स्टेप बाय स्टेप। सो दीज आर द 5 स्पीड्स टू रन अ कमांड। फर्स्ट ऑफ ऑल कमांड्स क्या होती हैं? यू कैन सी अ पिक्चर। दीज आर द कमांड्स। फर्स्ट कमांड रीसेट, सेकंड है कैनवस कलर 225, 225, 0, पेन कलर, पेन विड्थ, फॉरवर्ड, टर्न राइट, ये सब क्या हैं? कमांड्स हैं। तो इनको रन करने के लिए हमें स्पीड चाहिए होती है, तो वो कौन कौन सी स्पीड है? फर्स्ट है फुल स्पीड, सेकंड स्लो, स्लोअर, स्लोएस्ट एंड स्टेप बाय स्टेप। बाय डिफॉल्ट जो होती है आपकी सिलेक्ट वो होती है फुल स्पीड, यानी आपने इंस्टॉल किया है केटर्टल, तो जब आप कोई भी कमांड रन करेंगे उस पर लिखने के बाद तो वो क्या होगी, बाय उसकी डिफ़ॉल्ट स्पीड फुल स्पीड होगी। ठीक है, अब इनमें से कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं, स्लो कर सकते हैं, स्लोअर, स्लोएस्ट, स्टेप बाय स्टेप। फुल स्पीड का क्या फंक्शन है? जब हम फुल स्पीड करते हैं फुल स्पीड, तो जो टर्टल आप ड्रा करता है कैनवस पे तो उसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है, यानी वो बहुत फास्ट ड्रा करता है कोई भी पिक्चर। जब आप स्लो को सिलेक्ट करते हैं तो वो बहुत स्लो जो है वो ड्रा करते हैं किसी भी पिक्चर को। स्लोअर उससे भी कम हो जाता है, स्लोअर सबसे बहुत आहिस्ता आहिस्ता। और जब आप स्टेप बाय स्टेप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो ये जो आपकी कमांड्स हैं ये वन बाय वन जो होती हैं वो एग्जीक्यूट होती हैं, लाइक एट अ टाइम सिर्फ एक कमांड ही क्या होगी, रन होगी। यानी अगर आपने रीसेट किया है तो पहले रीसेट होगी, उसके बाद फिर से आपको रन पे जाके क्लिक करना पड़ेगा तो ये कैनवस कलर होगी, फिर आपने पेन कलर करनी है तो फिर रन पे जाके क्लिक करेंगे तो आपकी कमांड जो होती है वो एग्जीक्यूट होगी। ये आपको एरर नज़र आ रहा है रन बटन के साथ, ये ड्रॉप डाउन एरो है, इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ऑप्शंस हो जाएंगे, इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। इधर बाय डिफॉल्ट देखिए फुल स्पीड जो सा वो सिलेक्ट है, यानी चेक मार्क जो आपको नज़र आ रहा है। ओके, सेकंड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन स्पीड इन के टर्टल। कि के टर्टल में डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन स्पीड कौन सी है? सो द आंसर इज फुल स्पीड इज द डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन स्पीड इन अ केटर्टल। केटर्टल में जो बाय डिफॉल्ट एग्जीक्यूशन स्पीड होती है वो फुल स्पीड होती है। ये देखें फुल स्पीड जो है वो सिलेक्ट हुई है बाय डिफॉल्ट, चेक मार्क बना हुआ है। यू कैन आल्सो चेंज दिस, यू कैन सिलेक्ट स्लो, स्टेप बाय स्टेप, स्लोअर, फिर उन पे चेक मार्क जो है वो आ जाएगा अगर आप उसको सिलेक्ट करेंगे।
Third question is, what is the function of a console textbox? Console textbox ka function kya hai? We enter a one-line command on console textbox. हम कंसोल टेक्स्ट बॉक्स पे जस्ट वन लाइन कमांड जो सी है वो एंटर करते हैं एंड प्रेस द एंटर की टू रन इट और फिर एंटर की को प्रेस करते हैं और ये कमांड जो सी है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। ठीक है, आप कंसोल टेक्स्ट बॉक्स जो है वो किधर है लिखा भी हुआ है कंसोल, ये आपका है कंसोल टेक्स्ट बॉक्स। ओके, इसमें आपने जस्ट वन लाइन कमांड लिखनी है। ऊपर हमने कमांड पढ़ा है ना क्या होती है, लाइक टर्न लेफ्ट, 90, रीसेट, ये सब क्या है, कमांड्स है। जब हम कमांड देंगे टर्टल को फिर ही वो एक्शन परफॉर्म करेगा, अदरवाइज वो स्टिल एक जगह पे उधर ही रखा रहेगा। ओके, अब इधर कंसोल टेक्स्ट बॉक्स में हम कोई भी कमांड लिखेंगे और फिर हम प्रेस करेंगे एंटर की को और फिर आपका जो कमांड है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, या फिर ये रन बटन है इसको प्रेस करेंगे और आपकी कमांड जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ओके, सो दीज आर द फर्स्ट थ्री क्वेश्चंस ऑफ दिस चैप्टर। आई होप सो यू विल इजीली अंडरस्टैंड देम। थैंक यू।